नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंटल्स के बारे में। जी हाँ, एलिमेंटल मतलब तत्व। जैसे हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि पांच तत्वों से बनी है और हमारा ये शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन तत्वों के साथ, इन एलिमेंटल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो ईजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को चार भागों में बांटा है। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। भाग दो में हम जानेंगे कि इन एलिमेंट्स की क्या खास पावर्स होती हैं। और भाग नंबर तीन में हम ये जानेंगे कि हम इन एलिमेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और भाग चार में मैं आपको इनके साथ कनेक्ट होकर काम करने से पहले कुछ वार्निंग्स बताऊंगी, ताकि आप बिल्कुल सेफली इनके साथ काम कर सकें। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाग नंबर एक, एलिमेंटल्स क्या होते हैं। एलिमेंटल्स नेचर स्पिरिट्स होते हैं जो कि नेचर में रहते हैं, लेकिन वो हमें अपने इन नेकेड आईज के साथ बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास ही होते हैं, नेचर में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एलिमेंटल्स के बारे में बात करेंगे क्लासिकल एलिमेंटल पर्सपेक्टिव के साथ, जिसमें हम चार मेजर एलिमेंट्स की बात करेंगे, जो कि है धरती, वायु, जल और अग्नि। तो जो धरती का एलिमेंट है उसकी स्पिरिट को हम नोम्स बोलते हैं, GNOMES, यस, नोम्स। तो ये धरती की जो स्पिरिट है, ये हमें मटेरियल वेल्थ गेन करने में हेल्प करती है। तो इसके साथ भी हम थ्रू मेडिटेशन कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी हम इनसे कनेक्ट करने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प कर सकती है जो भी इस अर्थली रियल में, इस धरती पर जो भी मटेरियल वेल्थ है, मनी है, फॉर्च्यून है, वो गेन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलिमेंटल्स की खास बात है, वो अपने ही एलिमेंटल को और ज़्यादा बढ़ाया करते हैं। इसलिए जब आपका काम समाप्त हो जाए तो आप इनको रिस्पेक्टफुली वापस भेज दें। यदि आप इन्हें ज़्यादा समय तक अपने घर में रखेंगे तो अर्थ है, तो ये अर्थ एलिमेंट आपके घर में और ज़्यादा डस्ट और डर्ट लेके आएगा, जिससे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गंदगी और क्लटर रहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन एलिमेंटल्स के साथ काम करते वक्त हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वो है एयर, यानी हवा। ये एलिमेंट इंटेलेक्चुअल परसूट्स पे काम करता है। ये आपको बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्राप्त करने में मदद कर सकता है, वो विचार जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, और ये आपके माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये दूसरों के माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता और आप उनका माइंड इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि वो आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप इस स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं। जो तीसरी स्पिरिट है वो है वाटर एलिमेंट, पानी की स्पिरिट। इसे हम बोलते हैं अनडाइंस। तो इसे अनडाइंस के नाम से जाना जाता है, और ये डील करती है हमारे इमोशंस के साथ। यस, हमें अपने इमोशंस को हैंडल करने और प्रोसेस करने में ये स्पिरिट मदद करती है। तो यदि आप इमोशनली डिफिकल्ट स्टेट से गुजर रहे हैं तो आप अनडाइंग स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको आपके इमोशंस को हील करने में, प्रोसेस करने में हेल्प करेगी। तो चौथी स्पिरिट है वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। तो इसकी स्पिरिट को हम कहते हैं स्लेनेंडर्स। और जो स्लेनेंडर्स है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है, और ये बहुत डेंजरस भी है। आग कितनी डेंजरस हो सकती है ये तो हम जानते ही हैं। ये बेसिकली आपकी विल पावर और आपके करेज के लिए आपको मदद कर सकता है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास कुछ काम, कुछ चीज़ें करने की क्षमता नहीं है, आपके पास करेज नहीं है कि आप जाके कुछ कर सकें, तो उस सिचुएशन में ये स्पिरिट आपकी मदद कर सकती है। लेकिन फिर ध्यान देने वाली वही बात है कि आपका काम पूरा होने पर आपको इन्हें बाइज्जत वापस भेजना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आ गए हैं वीडियो के पार्ट नंबर तीन पे, कि हम इन स्पिरिट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है जिससे आप इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो है आपकी डिज़ायर और आपकी क्लियर इंटेंशन, कि आप इन स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जब भी आपने डिसाइड किया कि आप एक पर्टिकुलर स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तब ये आपसे कनेक्ट होती हैं।
और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने घर में, अपने बगीचे में एक कोना बिल्कुल वाइल्ड छोड़ दीजिए, जिसमें जैसे ही पेड़ और झाड़ लगे हैं उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, उसे खुद अपने तरीके से मेंटेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्पिरिट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा कोई भी कोना छोड़ रखा है तो वहाँ पर इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। मैंने भी मेरे घर के यार्ड का एक हिस्सा बिल्कुल वाइल्ड छोड़ रखा है, एंड ट्रस्ट मी वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके मैं इन एलिमेंटल्स के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। तीसरा तरीका जिससे कि हम इन एलिमेंटल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो है कि कुछ ऑफरिंग्स दें उनके लिए, जैसे कि दूध, हनी, क्रिस्टल्स। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि फेरीज के लिए एक ऑल्टर बनाएं। आई नो कि ये थोड़ी आपको हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि फेरीज होती नहीं है, बट वो होती हैं। यहाँ पर सब कुछ एक साथ ही चल रहा है, वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। लेकिन ये है कि वो सब हम इन आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए उन पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम एक खूबसूरत ऑल्टर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम थोड़ी सी ऑफरिंग्स रख सकते हैं और खूबसूरत रूम्स बना सकते हैं छोटे छोटे, उनमें छोटा छोटा फर्नीचर डाल सकते हैं। इस काम के लिए हम अपने बच्चों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट्स नहीं होते, बच्चों की इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड होती है और बच्चों की इमेजिनेशन में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं चौथे तरीके पे जिसके द्वारा हम इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चौथा तरीका ये है कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। जी हाँ, अपने इनर चाइल्ड को हील करके, उसके साथ डीपली कनेक्ट करके हम इन स्पिरिट्स के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनर चाइल्ड को हील करना और उसके साथ कनेक्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा वाइल्ड और स्ट्रांग इमेजिन कर पाते हैं और हम एक प्रकार से अपने आप से और स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट रह पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? इसलिए अपने इनर चाइल्ड को हील करके, उसके साथ कनेक्ट करके हम इन स्पिरिट्स के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं चौथे भाग पर, जिसमें मैं आपको देने वाली हूं कुछ वार्निंग्स। इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करते वक्त आपको जो ध्यान रखने वाली मेन बात है वो ये है कि ये बहुत ही पावरफुल है और ये अपने एलिमेंट को बढ़ाती है, इसलिए जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप इन्हें बाइज्जत वापस भेज दें। जैसे कि अगर आप अर्थ स्पिरिट को ज़्यादा टाइम अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में डर्ट, गंदगी, स्टेग्नेशन ये सब आना शुरू हो जाएगा और आप अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं चाहते, राइट? और दूसरा, अगर आप वाटर स्पिरिट का यूज़ करते हैं और इसे लव स्पेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट ये काम तो करेगा, लेकिन जो उसके रिजल्ट, जिस प्रकार से ये मैनिफेस्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम किस वाइब्रेशन में इनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और किस वाइब्रेशन में हम इनकी मदद ले रहे हैं। तो ये बातें बहुत ही ध्यान रखने योग्य हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सटीक जवाब दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स। And remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste.